टू मेक मैथ इजी सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मैथ्स बाय प्रदीप सोनी एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट मैथ वीडियो विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आओ समझते हैं एक्सरसाइज 7.3 आरबीएसई, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको फाइंड करना है डी बाई वी डी एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो, और बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलकर ये क्वेश्चन बना है। फाइंड डी बाई वाई डी एक्स, ये आपकी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, इसी तरह से कोस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमें बताना पड़ेगा। इसी तरह से कोस स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा टू कोस वाई। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आप जानते हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होता है टू एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर वाई का हो जाएगा टू कोस वाई, और कोस वाई का आ जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इस तरह से हम इसका करेंगे। और एक्स वाई का आप जानते हो डी अपॉन डी एक्स, एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का वन। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं ये सभी हम इस क्वेश्चन में यूज में लेंगे। तो बॉक्स में लिखे हुए यदि फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमारी लैंग्वेज बनेगी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस टू कोस स्क्वायर का हो जाएगा टू कोस वाई का माइनस साइन वाई एंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये मैंने इस स्टेप का कंप्लीट डिफरेंशियल कर दिया है। फिर एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का वन इक्वल हो जाएगा जीरो के। मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, देन फोकस किस पे करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स पे करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू है, इनको मैं लिख सकता हूँ माइनस टू इंटू टू साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस का कॉमन आ जाएगा वाई प्लस कोस एक्स। देखो डी वाई डी एक्स के अलावा हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो कोस एक्स की है एक वाई की वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस। ओके, और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ये टू इंटू टू साइन वाई कोस वाई, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ साइन टू वाई, तो ये आ जाएगा माइनस का टू, ये आ जाएगा साइन टू वाई, बिकॉज साइन टू थीटा आपके सामने होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, फिर इसमें प्लस का आ जाएगा एक्स, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बराबर आ जाएगा माइनस का वाई प्लस कोस एक्स। सो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपके सामने आती है माइनस कॉमन वाई प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू साइन टू वाई, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है माइनस वाई प्लस कोस एक्स, और ये जो वैल्यू है इसमें मैंने एक्स को पहले लिख लिया टू साइन टू वाई को बाद में लिख लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस वाई प्लस कोस एक्स, नीचे से माइनस कॉमन आ जाता है तो आ जाएगा टू साइन टू वाई प्लस माइनस एक्स, बिकॉज जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस से माइनस जो है हमारा क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा वाई प्लस कोस एक्स अपॉन टू साइन वाई माइनस एक्स। तो इस तरह से इजी वे में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल दे रखा है वन के। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हम यहाँ पर समझते हैं, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स रूट वाई का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वाई एंड वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके,
ये दो फॉर्मूले जो है हम काम में लेंगे, एक ये फॉर्मूला भी काम में लेंगे, u इंटू वी, यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो इस तरह से जो है हम ये फॉर्मूले जो है इस क्वेश्चन में काम में लेंगे। देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ये दो फंक्शन है, x एज इट इज d अपॉन डी एक्स रूट वाई प्लस रूट वाई एज इट इज d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, फर्स्ट वैल्यू का मैंने डेरिवेटिव कर दिया है, प्लस y एज इट इज सेकेंड वैल्यू का डिफरेंशियल प्लस रूट एक्स एज इट इज फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंशियल, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल हमारे सामने हो जाएगा जीरो। अब इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एक्स एज इट इज ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वाई, बिकॉज रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमको बताना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस वाई एज इट इज रूट एक्स का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स पे हम फोकस करते हैं, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में जाके हो जाएंगे माइनस की, माइनस का रूट वाई प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स, ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके हो जाती हैं माइनस की। अब इसमें जो x अपॉन टू रूट वाई प्लस रूट एक्स, इन दोनों में से कॉमन आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, इधर एलसीएम आ जाता है टू रूट एक्स, देन माइनस टू रूट एक्स वाई प्लस वाई। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे रूट वाई से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड में भी हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी हम टू रूट वाई एलसीएम ले लेते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू रूट वाई इंटू एक्स, ओके। आप जानते हो एलसीएम जब लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस टू रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स, ओके। अब हम देखते हैं दोनों साइड से जो है टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, देन डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने आता है, ये राइट हैंड साइड में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का रूट वाई इंटू टू रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन, ये रूट एक्स नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ओके। अब हम देखते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से एक वैल्यू कॉमन आ रही है, हम देखते हैं यहाँ पर ये माइनस का रूट वाई है, ये ब्रैकेट में से मैं रूट वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा टू रूट एक्स प्लस रूट वाई, बिकॉज यहाँ पे से मैंने रूट वाई कॉमन ले लिया तो ये टू रूट एक्स बचेगा, प्लस वाई में से रूट वाई कॉमन लेंगे तो रूट वाई बचेगा, अपॉन में ये रूट एक्स, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा रूट एक्स प्लस टू रूट वाई। देखो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं, जब मैं इसमें रूट वाई कॉमन लूंगा तो ये ओनली रूट एक्स बचेगा, रूट वाई बाहर आ चुका है, फिर इसमें से भी रूट वाई बाहर आ चुका है तो रूट वाई बचेगा, ओके ठीक है। जब वाई में से रूट वाई कॉमन लेते हैं हम, ये कॉमन आ गया तो रूट वाई बचेगा, मतलब जो भी कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, इसी तरह से इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, देखो मैंने एक एक स्टेप जो है कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखे, तो यहाँ रूट एक्स आ जाएगा, फिर टू रूट एक्स वाई में से रूट एक्स को माना जाएगा तो टू रूट वाई आ जाएगा। हम देखते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई, माइनस का वाई टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, रूट एक्स प्लस टू रूट वाई, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, इस तरह से हम इजिली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं उसको मैंने राइट हैंड साइड में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल दे रखा है एक्स वाई के और आपको इसमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो है वो यहां पर देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे सामने आ जाएगा टू एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके सामने आ जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दो मेनली फॉर्मूले है और एक एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव हम करेंगे एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का वन। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं जो हम इस क्वेश्चन में यूज में लेंगे। देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू कॉमन आ जाएगा उस टू बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया टू एक्स तो ये टोटल एक्स की तरह व्यवहार करेगा ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स बट हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा ये एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का वन। ठीक है तो इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स ओके। ये x के अलावा वैल्यू थी इसलिए इसका डिफरेंशियल करना जरूरी है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई फोकस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आ जाएगा फोर वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। मैंने टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू में देखो 2 टू जा 4 एक्स है ही ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर 2 टू जा 4 ये वाई था y और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। अब मैं फोकस करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स पे तो डी वाई बाई डी एक्स पे मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू हैं इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 4x² y प्लस 4y³ ओके ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का x इन सब के साथ है डी वाई बाई डी एक्स और इधर आ जाएगा वाई माइनस ये दोनों वैल्यू उधर जाके माइनस के हो जाएंगे इन दोनों को सोल्व कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4x³ और ये आ जाएगा माइनस का 4xy² देखो आप जब 4x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x³ आ जाएगा 4x³ और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4xy² और राइट हैंड साइड में जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है ये आ जाती है वाई माइनस 4x³ माइनस 4xy² अपॉन 4x² y प्लस 4y³ माइनस एक्स ये आपके क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा ओके। यदि आपके बुक से आंसर को मैच करते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन ले रखा है माइनस कॉमन लेते ही ये 4x³ आ जाएगा प्लस का और ये 4xy² ये भी प्लस का लेकिन y आ जाएगा माइनस का अपॉन नीचे से भी माइनस कॉमन लेते ही ये x आ जाएगा प्लस का और ये दोनों आ जाएंगे माइनस के माइनस 4x² y माइनस 4y³ ठीक है और ये माइनस से माइनस जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है तो आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर दिया बाकी आप एग्जाम में इतना छोड़ोगे तो भी सही है। ये इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो गए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है तो इसको इजी वे में करते हैं पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूले जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो पहला फॉर्मूला जो है हम करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा आपके सामने कोस एक्स इसके बाद हम करते हैं एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव तो एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का वन और इसके बाद हम करेंगे साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव तो इस तरह से हम लिखेंगे कोस एक्स वाई और अगली स्टेप में हम एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव और कर देंगे
तो ये आ जाएगा कोस एक्स वाई और ये आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। इस तरह से कंप्लीट, ये स्टेप बच्चों को कंफ्यूज करती है। ओके, अब हम करेंगे एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन वाई तो वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और वाई का मैंने बता दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं उसको मैंने आपको राइट हैंड साइड में बता दिया है। इन सभी का यूज़ करते हुए हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें कि क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट होता है। ओके, तो डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन समझ लीजिए साइन एक्स वाई का हो जाएगा कोस एक्स वाई और एक्स एज इट इज एक्स वाई का करना पड़ेगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का वन प्लस एक्स अपॉन वाई का करेंगे वाई एज इट इज एक्स का वन माइनस एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। राइट हैंड में आपके सामने है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हमने इसको हल कर दिया है, इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फोकस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स पे, डी वाई बाई डी एक्स को हम किस तरह से एक जगह कर सकते हैं। तो हमने देखा डी वाई बाई डी एक्स के हमारे पास तीन वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन सभी को हम एक साइड में करते हैं। तो इसलिए पहले हम लेते हैं वाई स्क्वायर एलसीएम। ओके, वाई स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई और ब्रैकेट में आपके साथ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई एज इट इज माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सामने आ जाएगा टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो और इस ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ या वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई को फर्स्ट वैल्यू से एंड सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यह जाएगा वाई क्यूब कोस एक्स वाई, वाई क्यूब कोस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं वाई स्क्वायर का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। अब फोकस करते हैं डी वाई बाई डी एक्स पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखें एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई एज इट इज, ये डी वाई बाई डी एक्स रहने देता हूँ, माइनस का एक्स है, इसके बाद ये माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का वाई स्क्वायर हो जाता है, इन तीनों में कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक वैल्यू है टू एक्स वाई स्क्वायर, इसके अलावा ये वाई इधर जाके हो जाएगा माइनस का राइट हैंड साइड में और ये वाई क्यूब, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था इसलिए हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब कोस एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे सामने आती है टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है हमने सोल्व कर लिया है और हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। इसमें से नोमिनेटर में से आप वाई कॉमन ले सकते हो, अंश में से वाई आप कॉमन ले सकते हो, तो आपकी बुक का आंसर मैच हो जाएगा। वाई कॉमन लेने से ये आ जाएगा टू एक्स वाई माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, ठीक है, अपॉन में आ जाता है एक्स वाई स्क्वायर
कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उन अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव करेंगे जिनमें पावर में जो है वेरिएबल टर्म्स दे रखी है।